देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 ना, 7 तक हो गया है, 8 नंबर कर रहे हैं। फाइंड द एपी हुज 7th टर्म एंड 12th टर्म आर 34 एंड 64, ठीक है। एल्सो फाइंड द 10th टर्म। अगर मान के चलिए आपके पास गिवेन जो एपी दिया हुआ है, एपी आपको फाइंड करना है, ठीक है, आपको फाइंड करना है एपी, जिसमें आपके पास वैल्यू जो दिया हुआ है 10th टर्म इक्वल टू और 12th टर्म इक्वल टू, ये गिवेन डाटा है, गिवेन 34 है और 64 है, ठीक है। अब फिर लास्ट में बोला कि 10th टर्म निकालिए, ठीक है, लास्ट में जब आपका एपी हो जाएगा तब आपको 10th टर्म निकालना है। यदि वो एपी में है, अगर ये 7th टर्म और 12th टर्म यदि ये एपी में है, यदि ये एपी में है, अगर आर इन एपी, इसका कहना है आर इन एपी, यदि एपी में है तो आप इसको 10वां टर्म निकालिए, तो फाइंड 10th टर्म, ठीक है, तो 10वां टर्म निकालने बोला है। देखिए कैसे निकलेगा, इसके माध्यम से निकलेगा हम लोग का, ठीक है। सबसे पहले इसके माध्यम से आपको एपी निकालना है, तो टी 7 इक्वल टू क्या है, 34 है, ठीक है। पहला तो इसका फार्मूला क्या होगा, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन और डी हो जाएगा, यानी ए बराबर तो वैल्यू नहीं है, एन बराबर कितना है 7 है, और डी बराबर भी नहीं पता है, इक्वल टू टी एन बराबर इधर लिखो चाहे इधर लिखो, कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, ए प्लस 60 हो जाएगा इक्वल टू 34, इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। याद रखना है आपको कि जब भी इस तरीके से टर्म दिया रहेगा तो समझो दोनों के माध्यम से दो तो इक्वेशन निकलेगा, और आपको पता है कि जब दो इक्वेशन होता है दोनों को मिला देने से एक का वैल्यू आएगा, फिर एक का जो वैल्यू आएगा वो दूसरा वाला इक्वेशन में पुट कर देंगे, दूसरा वैल्यू आ जाएगा, है ना। और जब ए और डी का वैल्यू फाइंड हो जाएगा फिर आपका एपी पता चल जाएगा, एपी पता चल गया तो फिर 10वां टर्म का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए तो पहला हो गया, अगेन फिर करेंगे ए टी 12 इक्वल टू 64, फिर इसका फार्मूला पुट करिए टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन और डी, ए बराबर नहीं पता है, एन बराबर 12 है 1 हो जाएगा, डी बराबर नहीं पता है इक्वल टू 64 हो जाएगा, ए 11 डी इक्वल टू 64, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना, बाय द इक्वेशन, क्या किसका, दूसरा में पहला को माइनस करने पर, तो दूसरा कितना है देखिए, क्योंकि बड़ा संख्या है ना ये, इक्वल टू 64, और ये कितना है ए प्लस 6d इक्वल टू 34, ये हो जाएगा माइनस माइनस, है ना, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाता है, यहाँ प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, एक दूसरे को कट जाएगा, ये कटेगा 11 में 6 को घटाएंगे तो 6 5 11 5d और 4 4 में 0, 6 में 3 तो 3, डी बराबर 30 और 5 5 6 30, डी बराबर आ गया 5 6 30 6, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, वैल्यू पुट डी बराबर कितना 6 इन इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो या 2 में, दोनों में पुट करने से ही आएगा, ए बराबर कितना है इक्वेशन 1 में, ए प्लस 6d इक्वल टू 34, ए 6d, डी बराबर क्या है 6 और 34, ए बराबर ए प्लस 6 6 36 इक्वल टू 34, ए इक्वल टू 34 माइनस 36, ए बराबर करिए इसमें 36 में माइनस कर देंगे तो 2 आ गया और डी बराबर 6 आ गया। हम लोग को फाइंड करना है क्या, 10th टर्म निकालना है, तो 10th टर्म के लिए फार्मूला क्या होता है, टी एन ए प्लस एन माइनस वन और डी, ठीक है। 10th टर्म निकालना है तो ए बराबर वैल्यू कितना आ गया, माइनस 2 आ गया, तो माइनस 2 पुट कर देंगे और एन बराबर 10 1 और डी बराबर 6, तो माइनस 2 और यहाँ पर 9 और 6,
माइनस टू, नौ छक 54 और घटा देंगे तो 52 आंसर। ठीक है, वैसे आपको फिर सीक्वेंस यहाँ पे निकालना है, वैसे आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, ए और डी का वैल्यू पुट कर दिए, 10वां टर्म निकल गया। ठीक है।